Assalamualaikum. कैसे हैं आप सब लोग? How are you all? Now, today we are going to write and learn and revise from A till Z. A till Z. A till Z. Z. Now, आप लोगों ने क्या करना है? What you have to do is, आप लोगों ने four lines के अंदर A से लेके Z तक पूरी alphabets आप लोगों ने लिखनी है. Now, how we are going to do that? हम लोग ये सब कैसे करेंगे? Look at the board very carefully. Teacher बताएंगी कैसे करेंगे. Now, look at the board. देखिए मिस ने आपकी red line, blue line और black line से four lines board पे draw की हैं. और जो draw की हैं उसके अंदर आप लोग जो है आप देखें मिस बताएंगी कैसे लिखेंगे. आप लोगों ने नर्सरी में भी सीखा है. Now we are going to learn and revise in KG also. ठीक है. Now look at the board very carefully. आप लोगों ने capital letter red line से start करेंगे. इस तरह से capital letter A और blue line पे stop करेंगे. Now again red line से start करेंगे, फिर blue line पे stop करेंगे और mid में एक line draw करेंगे तो आपका A बन जाएगा, letter A. Now we are going to write down the sound of A. अब हम इसका sound लिखेंगे A. Very simple, very easy. आप लोग पहले इसकी ख बनाएंगे और उसके बाद इस तरह से ए बनाएंगे. ये आप लोगों का ए बन गया. इसी तरह नेक्स्ट आप लोगों ने बी. फ्रॉम द टॉप रेड लाइन से स्टार्ट करेंगे बी एंड देन द साउंड ब ब. नाउ नेक्स्ट सी. नेक्स्ट साउंड इज ख. नाउ डी. रेड लाइन से स्टार्ट करें, ब्लू लाइन पे एंड करें डी. देन साउंड ड. रेड लाइन से स्टार्ट करेंगे और टू मिडिल लाइन में इसकी ड बनाएंगे. इसी तरह आप लोगों ने पूरी जेड तक लिखने में लिख के दिखाती हैं आप लोग को. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, नाउ यू ऑल कैन सी ए से लेके जेड तक पूरा मिस ने आपको रेड लाइन से लेके ब्लू लाइन में फोर लाइन में जो आपकी कॉपी होगी वही ऐसे ही आप लोगों ने लिखना है नीटली. और ये आप लोगों ने आपका इंग्लिश का पहला जो टास्क है वो आप लोग अपना कंप्लीट करेंगे. थैंक यू सो मच. होप टू सी यू सून ऑल. थैंक यू.